जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित एसजीएस ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ आनंद चावड़ा आप सौ विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे धोरण 11 कॉमर्सनी अंदर आपणो विषय वाणिज्य पत्र व्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस जेने एसपीसीसी तरीके ओळखीए छीए जेनी अंदर विभाग 1 छे वाणिज्य पत्र व्यवहार, जेनी अंदर चेप्टर 4 छे जेनुं नाम छे वाणिज्यिक पत्रनुं स्वरूप। आ वाणिज्यिक पत्रना स्वरूपनी अंदर आपणे जोयुं के कायमी भाग अने प्रसंगोपात भागनो समावेश थाय छे, जेनी अंदर कायमी भागोनी अंदर छेल्ले आपणे पत्रनो मुख्य भाग एटले के बॉडी ऑफ ध लेटर कई बाबत माटे कया हेतु माटे पत्र लखता हता जे बाबतनी चर्चा आपणे पत्रना मुख्य भागनी अंदर करीए छीए। तो पत्रना मुख्य भागनी अंदर बाबतनी चर्चा थई जाय त्यार पछी आपणे आ चर्चाने अंतमां जेम शुरुआत में आवकार सूचक शब्दों એટલે કે સંબોધન લખ્યું હતું સેલ્યુટેશન, એવી જ રીતે અહીં અંતમાં પણ આપણે શુભેચ્છા દર્શક સમાપન લખીશું જેને આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ કહીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે રીતે આપણે સંબોધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ જ રીતે યથા યોગ્ય શુભેચ્છા દર્શક સમાપનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એટલે કે पत्र लखनार अने मेळवनार बंने वच्चेना संबंधोनी निकटतानो ख्याल तमने संबोधन अने शुभेच्छा दर्शक समापन परथी आवे छे। तो आवो विद्यार्थी मित्रों आपणे शुभेच्छा दर्शक समापननी अंदर कया कया शब्दोनो उपयोग थाय छे एनी माहिती मेळवीए। तो जोईए जे रीते पत्रनी शरूआतमां आपणे यथा योग्य संबोधन करीए छीए एटले के पत्रनी शरूआत छे आपणे यथा योग्य संबोधनथी करीए छीए जे आपणे शीखी गया श्रीमान श्रीमती साहेब श्री वगैरह। एवी ज रीते पत्रना अंतमां आपणे एने अनुरूप सेनो उपयोग करीए छीए तो के आपणे एने अनुरूप शुभेच्छा दर्शक समापननो उपयोग करीए छीए के एने अनुरूप आपणे शुभेच्छा दर्शक समापननो उपयोग थाय छे। आ शुभेच्छा दर्शक समापन छे ए पत्र लखनार अने पत्र मेळवनार बंने वच्चेना संबंधोनी निकटतानो ख्याल आवे, एटले के पत्र लखनार व्यक्ति छे अने मेळवनार बन्ने जे व्यक्ति छे एना संबंधी निकटता विशेनो ख्याल आवे छे। हवे आ पत्र लखनार अने बन्ने मेळवनार आपणे जोयुं के अगाउ जोयुं तो के आपणे केवा संबोधननो उपयोग करवो जोईए, जेम के कोई समूहने पत्र लखता होय तो श्रीमान, कोई आपणे एमां अंदर जोयुं तो के भाई कोई पण व्यक्तिने पत्र तो श्रीमान, ते उपरांत साहेब श्री, महाश्रय श्री, महोदय श्री आवा संबोधनोनो उपयोग थाय छे। तो एवी ज रीते अहीं जो आपणे औपचारिक पत्र होय, अनौपचारिक पत्र होय, अत्यंत अनौपचारिक पत्र होय तो एनी अंदर पण यथा योग्य शुभेच्छा दर्शक समापननो उपयोग थाय छे। तो जोईए संबंधो मात्र व्यावसायिक छे के निकटना, एटले के आपणे वेपारी थी वेपारी पेढी सुधीनी वातचीत करवी छे, कोई सामाजिक बाबतो माटे वातचीत करवी छे तो एना उपर आपणने संबोधन अने समापन बंने उपरथी आपणने एनो ख्याल आवी जाय। तो के पत्रनी अंदर जे संबोधन अने शुभेच्छा दर्शक समापन वपरायुं छे एना आधारे आपणने ख्याल आवी जाय के आ पत्र व्यावसायिक लखायो छे के अंगत बाबतो माटे लखायो छे। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों आ बाबतोनी जाणकारी आपणे कोष्टक द्वारा मेळवीए। जो आपणे अगाउ जे टॉपिक जोई गया मुजब शुभेच्छा दर्शक संबोधन छे, जो डियर सर इंग्लिश में डियर मैडम अथवा तो सर एटले के श्रीमान श्रीमती बराबर साहेब श्री तेव आवो उपयोग थाय तो एने आधारे शुभेच्छा दर्शक समापन छे योर्स फेथफुली अल्पविराम, योर्स फेथफुली अल्पविराम। हवे विद्यार्थी मित्र जो आज आपणे समापन गुजराती में लखवू होय तो आपनो विश्वासु अल्पविराम एवुं लखता होय छे। आपणे ख्याल आवी गयो के पत्रना अंतमां जे आपणे लखीए छीए आपनो विश्वासु पछी आपणे जे आपणी सही करीए छीए जे नाम लखीए छीए तो एने शुभेच्छा दर्शक समापन कहे छे। एटले के जे आपनो विश्वासु लखीए शुभेच्छा दर्शक समापन। आनो उपयोग वधु पड़तो फॉर्मल लेटर्स एटले के औपचारिक पत्र व्यवहारनी अंदर करवामां आवे छे अने आ वधु प्रचलित छे के मोटा भागनो वर्ग छे एटले के मोटा भागना लोको छे योर्स फेथफुली एवुं संबोधन एटले के संबोधनने आधारे समापननो उपयोग करे छे। हवे जो तमे पत्र छे ई सामाजिक बाबतो माटे लखता होय एटले के जे इन्फॉर्मल लेटर्स होय, अनौपचारिक पत्र व्यवहार होय, जेम के एनी अंदर संबोधन वपरायो होय। नामनी अंदर जोईए तो के डियर मिस्टर मियात्रा, बरोबर, ते उपरांत डियर मिस चौहान, ते उपरांत डियर नरगिस, अल्पविराम, आ बधा ज जो संबोधनोनो उपयोग थयो होय तो एनी अंदर आपणे शुभेच्छा दर्शक समापननो उपयोग करशुं। योर्स सिंसियरली अल्पविराम, गुजराती में एने आपनो स्नेहाधन, आपनी स्नेहाधीन, आवु समापननो उपयोग करवामां आवे छे। तो गुजराती में मोटा भागे बे संबोधनने आधारे समापननो उपयोग थाय, आपनो विश्वासु अथवा आपनो स्नेहाधीन। हवे आ बंने बाबतोनी जो वेपारी पेढ़ी माटे पत्र लखता होय तो त्यारे खास ध्यानमां राखवानुं छे। ते उपरांत हजी आथी अत्यंत अनौपचारिक घनिष्ठ मैत्री वाला पत्र लगता हो, कि आपणे आपणा मित्र व्यवहार वच्चे पत्र लगता, आपणे आपणा मित्रोने पत्र लगता होय तो न्याय अंग्रेजीमां शुभेच्छा दर्शक समापन फरी जशे, जेम के एमां संबोधनमां पण फेरफार थाय। अत्यंत नजीक होय तो माय डियर जेहान, माय डियर नेन्सी, आपणी अंगत मित्र होय, कोई पण अंगत मित्र सर्कल होय तो एनी अंदर पत्र लगता होय। आपणा भाईने, सगा भाईने, बहनने पत्र लखता होय तो एनी अंदर माय डियर जेहान अल्पविराम, माय डियर नेन्सी अल्पविराम, एनी अंदर संबोधननी आधारे समापन केवुं वपराय छे। जो न्याय योर्स फेथफुली के योर्स सिंसियरली एवुं नथी वपरातो, योर्स ट्रूली अल्पविराम अथवा तो योर्स सीधुं, के भाई अत्यंत नजीकना संबंधो छे एवुं आपणने संबोधन अने समापनने आधारे ख्याल आवी जाय छे। एटले के पत्रनी अंदर जो माय शब्द, डियर जेहान एवो शब्दनो उपयोग थयो, जेहान व्यक्तिवाचक नाम छे, माय डियर नेन्सी छे पण व्यक्तिवाचक नाम छे, तो माय डियर संबोधननो उपयोग थयो होय तो त्यारे समापननी अंदर तमे आनो उपयोग पण करी शको छो। योर्स ट्रूली अथवा तो योर्स सीधो, जे अत्यंत अने घनिष्ठ आपणे मित्रता होय, अंगत होय, नजीकना, एनी अंदर उपयोग थाय छे। तो आ आपणे वात करी। हवे आनी अंदर जो आपणे गुजरातीमां विद्यार्थी मित्र पत्र व्यवहार करता होय तो मोटा भागे आपनो विश्वासु संबोधन ज आपणे समापन ज करता होय छीए, કે છેલ્લે પત્રની અંતિમ બાબતમાં આપણે આપનો વિશ્વાસુ અથવા આપનો સ્નેહાધીન। પરંતુ જો અંગ્રેજીમાં તમે લેટર લખતા હોય ઇંગ્લિશમાં, તો ઇંગ્લિશમાં લેટર લખતી વખતે અહીં આપણે કેપિટલાઇઝેશન અને પંક્ચ્યુઅલ માર્ક્સ, એટલે કે કયો શબ્દ કેપિટલ આવશે અને કયો શબ્દ આપણે સ્મોલ આવશે એની, જેમ કે અહીં આપણે સંબોધનની સમાપનની અંદર જોઈએ યોર્સ ફેથફુલી, તો આપણે એ જોઈએ છીએ તો એની અંદર અહીં ચર્ચા કરીએ तो योर्स नी अंदर वाय छे ए कैपिटल आवशे जे नियम मुजब छे, त्यार पछी फेथफुली नी अंदर एफ छे ई स्मोल आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों बराबर अहीं काळजी आपणे राखवानी छे। योर्स नी अंदर कैपिटलाइजेशन नी अंदर पहेलो अक्षर ज कैपिटल आवशे, बाकी बधा ज अक्षरो छे ए स्मोल आवशे। अने पंक्च्युअल मार्क्स एटले के एपोट्रोफी एस, एटले के आपणे योर्स नी अंदर अहीं एपोट्रोफी एस करवानो નથી, સીધું આપણે આ રીતે જ લખવાનું છે। અને ત્યાર પછી પૂર્ણ વિરામ અથવા તો અલ્પવિરામ, પરંતુ અહીં આપણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ છે। જો અંગ્રેજીમાં પત્ર લખતા હોય તો કેપિટલાઇઝેશન અને પંક્ચ્યુઅલ માર્ક્સ આ બાબતોની ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જો અહીં આપણે મુજબ પહેલો અક્ષર કેપિટલ, બાકી બધા સ્મોલ, પછી અલ્પવિરામ। ગુજરાતીમાં તો એકદમ સરળ છે, આપનો વિશ્વાસુ અથવા આપનો સ્નેહાધીન। એટલે કે પત્ર લખાઈ જાય પછી તરત જ શુભેચ્છા દર્શક સમાપન, તો આ લખવું પણ એકદમ સરળ છે। સંબોધન લખ્યું હોય આધારે આપણે સમાપન લખી શકીએ છીએ। મોટે ભાગે પત્ર વ્યવહારમાં આપણે આપનો વિશ્વાસુ શુભેચ્છા દર્શક સમાપનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, ત્યાર પછી આપણું નામ અને સહી કરતા હોઈએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુદ્દાની અંદર માત્ર આટલી જ જાણકારી। હવે આના પછી આપણે હજી માહિતી મેળવીએ તો હવે શુભેચ્છા દર્શક સમાપન પછી તરત જ આવે તો કે સહી, તો હસ્તાક્ષર વિશે હવે આપણે માહિતી મેળવશું। ત્યાર પછી હવે જોઈએ સહી તો હસ્તાક્ષર, તો જેને આપણે સિગ્નેચર તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો શુભેચ્છા દર્શક સમાપન પછી પત્ર લખનાર પોતાની સહી કરે છે, એટલે કે પત્ર લખનાર છે એ શુભેચ્છા દર્શક સમાપન લખાય જાય, એટલે કે આપનો વિશ્વાસુ લખાઈ જાય, ત્યાર પછી તરત જ પોતાની સહી કરે છે અથવા તો આખું પોતાનું નામ લખે છે। એટલે કે શુભેચ્છા દર્શક સમાપન લખાય છે, ત્યાર પછી પત્ર લખનાર છે પોતાની સહી કરે છે અને પોતાનું આખું નામ લખે છે। ઘણી વખત जो आ सही है खूबज टूकी हो अथवा अवाच्य हो तो वाँची न सकाय होय तो सही थी जाए त्यार पछी पत्र नीचे सही नी नीचे कौंस में पोतानुं नाम लखे छे। तो विद्यार्थी मित्रों जो सही है ई वाँची शकाय एम न होय अवाच्य होय तो त्यारे नीचे कौंस में पत्र लखनार सही नी नीचे पोतानुं नाम लखे छे। जे आपणे अहीं एक उदाहरण द्वारा हमेशा जोईशुं। थोड़ीक बाबतो विशे चर्चा करीए। त्यार पछी जोईए तो के सही है ई पत्रनी बाबतोने अथवा तो लखाणने अधिकृत बनाववानुं काम करे छे। के सही जे आपणे करीए छीए ई पत्रनी बाबतोने अने लखाणने अधिकृत बनाववानुं के आपणे जे लेटर लख्यो छे ई जे सिग्नेचरने आधारे ऑथोराइज थी जाए एटले के अधिकृत थी जाए छे। हवे पत्रमां जे बाबत आपणे लखी छे दरेक बाबतो माटे पत्र लखनार छे ई सहमत छे एवुं सिग्नेचर द्वारा फलित थाय छे। के पत्रमां जे बाबतोनो उपयोग कर्यो छे एटले के जे बाबतोनी चर्चा थई छे एनी साथे पत्र लखनार एटले के आपणे सहमत छे ई सिग्नेचरना आधारे फलित थाय छे। एटले के ई लेटरने अधिकृत बनाववानुं काम सिग्नेचर करे छे। हवे जोईए तो के सही छे आपणे हमेशा केवी रीते तो के स्व हस्ताक्षर आपणी जाते ज करीए छीए। परंतु आजे कॉम्प्यूटर द्वारा एटले के आजकाल कॉम्प्यूटर द्वारा लखायेल पत्र में सही जोवा मळती नथी। हस्तलिखित आपणी सिग्नेचर जोवा मळती नथी। परंतु ए ज सिग्नेचर ने अगाउथी डिजिटल रीते आपणे कॉम्प्यूटर नी अंदर स्टोर करी सकीए छीए। जो जेने डिजिटल सिग्नेचर मूकवामां आवे छे। के स्व हस्ताक्षर नहीं परंतु आजे डिजिटल सिग्नेचर नो उपयोग पण कम्प्यूटर आधारित लेटर नी अंदर करवामां आवे छे। के जे पत्र आपणे स्वलिखित नथी परंतु कम्प्यूटर द्वारा टाइपिंग करीने पत्र लखवामां आवता होय तो एनी अंदर डिजिटल सिग्नेचर नो उपयोग थाय छे। तो आवी अमुक सहीना नमूना एटले के सही हस्ताक्षर केवी रीते थाय छे तो अहीं आपणे एक एग्जाम्पल द्वारा जोईशुं। तो जेनी अंदर आपणे जोई शकाय छे तो सही नो सामान्य नमूनो आ प्रमाणे छे जे आपणे जोई शकाय छे। जोईए तो योर्स फेथफुली अल्प विराम तो जोईए नीचेनी सही छे। शुं छे सही? जे एम मेकवान। तो जे एम मेकवान एनी क्रोसमां सिग्नेचर छे जे स्वलिखित डिजिटल सिग्नेचर अने नीचे काउंसमां एनुं नाम लखेलुं छे जे एम मेकवान। एवी ज रीते गुजरातीमां आपणे जोवुं होय तो बाजुमां आपनो विश्वासु अल्पविराम। तो आपनो विश्वासु अने अल्पविराम अंग्रेजीमां एने योर्स फेथफुली। तो एनी पण सिग्नेचर ए मुजब जे एम मेकवान अने काउंसमां गुजरातीमां लखવાનું છે આપણે जे एम मेकवान। तो विद्यार्थी मित्रों આવી જ રીતે આપણે બીજી સહીનો નમૂનો જોઈએ તો પત્ર લખનાર જો વેપારી છે એટલે કે પત્ર લખનાર વેપારી છે એ પોતાની પેઢીનો સ્વતંત્ર માલિક હોય એટલે કે પોતે જ પેઢી એકલા વ્યક્તિ ચલાવતો હોય જેને એકાંકી વેપારી કહેવાય। એટલે કે એક જ પેઢીનો માલિક છે કોણ હોય એક જ। તો એની સિગ્નેચર પણ આ મુજબ હોય યોર્સ ફેથફુલી અલ્પવિરામ અંગ્રેજીમાં લેટર લખતા હોય તો યોર્સ ફેથફુલી અલ્પવિરામ એમ કે सुनील राज के नी सिग्नेचर छे एम के सुनील राज। नीचे काउंस में अंग्रेजी में एमनो नाम के एम के सुनील राज। एज जो गुजराती में जोवुं होय तो आपणे आपनो विश्वासु अल्पविराम एम के सुनील राज काउंस में एनुं नाम आवशे शुं एम के सुनील राज जे गुजराती में लखेलुं छे। तो तमे जोई शको छो अंग्रेजी में लेटर लखता होय तो बधी ज बाबतोनो उल्लेख अंग्रेजी में थाय छे જ્યારે ગુજરાતીમાં માત્ર સિગ્નેચર અંગ્રેજીમાં થાય છે બાકી બધી જ બાબતો છે ગુજરાતીમાં લખાય છે। પરંતુ હવે વાત કરી કે આપણે વેપારી પેઢીનો સ્વતંત્ર માલિક હોય તો એ આ મુજબ સિગ્નેચર કરશે। આપણે જો એકલા જ વેપારી પેઢીના માલિક હોય તો એક જ પરંતુ એક કરતાં વધારે માલિક એટલે કે પેઢીની અંદર એક કરતાં વધુ ભાગ હોય તો એને ભાગીદાર કહેવાય। એટલે કે એક કરતાં વધુ વ્યક્તિ જો ધંધો ચલાવતા હોય તો એને ભાગીદારી પેઢી કહેવાય। તો એવી જ પેઢીમાં એટલે કે જો ભાગીદારી પેઢીનો અંદર આપણે સહીનો નમૂનો જોવો હોય તો ભાગીદારી પેઢીની અંદર એક કરતાં વધુ એટલે 2 કા 3 કા 4 એવી રીતે વ્યક્તિ પેઢીના માલિક હોય તો ત્યારે કયો માલિક સહી કરે છે તો એનું નામ તો જોઈએ આપણે અંગ્રેજીમાં અહીં યોર્સ ફેથફુલી અલ્પવિરામ। ખાસ ભૂલાય નહીં આપણે હમણાં જ શીખ્યા શુભેચ્છા દર્શક સમાપનમાં અંગ્રેજીમાં જો પત્ર લખો હોય તો પહેલો અક્ષર કેપિટલ યોર્સ નો વાય કેપિટલ ત્યાર પછી યોર્સ પછી એસ ની વચ્ચે एपोस्ट्रोफी एटले के एपोस्ट्रोफी एक्स एटले के आपणे करवानो नथी। न्या कोई पण जातनो आपणे एपोस्ट्रोफी नी निशानी करवानी नथी अने बाकी बधा ज अक्षर छे स्मोल मां अने त्यार पछी अल्पविराम। तो योर्स फेथफुली 4 एटले के कोणा वती छे तो कि सिंगल ट्रांसपोर्ट अंग्रेजी में कौन सही करे छे? मुन्ना सिंह यादव। नीचे कौंस में अंग्रेजी में एनुं नाम आवशे मुन्ना सिंह यादव। एवी ज रीते जो गुजराती में पत्र लखता होय तो आपनो विश्वासु अल्पविराम सिंगल ट्रांसपोर्ट वती, के सिंगल ट्रांसपोर्ट वती कौन सही करे छे? मुन्ना सिंह यादव जे अंग्रेजी में सही करे छे। नीचे कौंस में एनुं नाम लखेलुं छे, गुजराती में शुं लखेलुं छे? मुन्ना सिंह यादव। तो विद्यार्थी मित्रों, अत्यार सुधीमां आपणे जोयुं के वेपारी पेढीनो स्वतंत्र मालिक होय तो पोते ज सही करे छे, परंतु जो वेपारी पेढी में एक करता वधु मालिक होय तो जे मालिक सही करे, जे पत्र लखवा वळ ए ज पोते एनी सही करशे। तो एकदम सरल छे। हवे आज बाबत आपणे वेपारी पेढीनी करी, परंतु आजे अनेक मोटी संस्थाओ छे, कंपनीओ छे, कोई सरकारी संस्थाओ छे, सरकारी विभागो छे, एनी अंदर कोई पण कर्मचारी छे जे पत्र लखे छे अने गैरहाजर होय अने एना वती जे बीजाने पत्र लखवानुं काम सौंप्युं होय तो एने बीजा वती सही करवानो अधिकार। तो हवे आपणे एना विषे चर्चा करीशुं। बीजा वती सही करवानो अधिकार एटले एनी अंदर आपणे जोईए तो आपणे जोयुं के वेपारी पेढीनो जो स्वतंत्र मालिक होय अने पोते सही करे छे, परंतु भागीदारी पेढी होय तो भागीदारी पेढीना मालिको एटले के एक करता वधु व्यक्ति पेढीना मालिक होय तो एकबीजा सही करता होय। परंतु अहीं आपणे मुद्दो जोवानो छे बीजा वती सही करवानो अधिकार, एटले के बीजा व्यक्ति एटले के जे अधिकारी छे ए नथी एना बदलामां आपणे सही करवानी छे, ए बाबतनी चर्चा अहीं करवानी छे। तो पर प्रो सिग्नेचर, जेने अहीं पर प्रो ने आपणे पर प्रोक्यूरिजनम सिग्नेचर तरीके ओळखीए छीए। तो जोईए आ विद्यार्थी मित्रों, बीजा वती सही करवानो अधिकार एटले शुं? पर प्रोक्यूरिजनम सिग्नेचर एटले मुख्तियारनामा, એટલે કે પાવર ઓફ એટર્ની દ્વારા સહી કરવાનો અધિકાર। મુખત્યારનામું એટલે શું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મુખત્યારનામા વિશે વાત કરી તો એટલે કે ના બદલામાં સિગ્નેચર એટલે કે બીજા વતી સહી કરવાનો અધિકાર। હોદ્દો છે, જે સત્તા છે એ એમની એમ જ રહે છે। કોઈ પણ અધિકારીનું જે હોદ્દો છે એમને એમ રહે, પરંતુ હવે એ શા માટે એમને એમ હોદ્દો રહે છે તો એના વિશે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીએ તો સંસ્થા કે પેઢીમાં कोई उच्चो होद्दो के दरजो धरावती व्यक्ति के कोई पण वेपारी पेढी होय अथवा तो कोई संस्था होय के कोई कंपनी नी अंदर उच्चो होद्दो धरावती व्यक्ति के जेनो पद ऊंचू छे ई व्यक्ति ज्यारे कोई नियत समय में एटले के ई व्यक्ति कोई नियत समय माटे संस्था के पेढी में गैरहाजर होय, एटले के संस्था के पेढी नी अंदर ई कोई नियत समय माटे गैरहाजर रहेवाना होय त्यारे तेमना बदले सही करवानो हक के कोई संस्था के पेढीनी अंदर कोई उच्च होद्दो के दरजो धरावती व्यक्ति छे संस्थानी अंदर गैरहाजर रहेवानी होय तो एना बदले सही करवानो हक अन्य व्यक्तिने आपे छे, एटले के ई ज व्यक्ति सही करे छे परंतु अत्यारे ई व्यक्ति जे गैरहाजर छे ई ज होद्दाने आधारे बराबर। हवे आना माटे कायदेसरनी कार्यवाही करवी पड़े। ए कायदेसरनी कार्यवाही एटले मुखत्यारनामું। तो આપણે જોઈએ પર પ્રોક્યુરિઝનમ સિગ્નેચર એટલે મુખત્યારનામા એટલે કે પાવર ઓફ એટર્ની દ્વારા સહી કરવાનો અધિકાર, એટલે કે ના બદલામાં એટલે કે એની જે સહી કરવાની સત્તા છે જે વ્યક્તિ હતો એ વ્યક્તિ અત્યારે સંસ્થામાં ગેરહાજર છે તો એની સહી કરવાની સત્તા છે એ બીજા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે, એટલે કે એનો જે હક હતો એ હક બીજા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે। તો સંસ્થા કે પેઢીમાં કોઈ ઊંચો હોદ્દો કે દરજ્જો ધરાવતો વ્યક્તિ कोई नियत समय माटे कोई 15 दिवस होय के मेडिकल रजा लीधी होय कोई आकस्मिक कारणोसर महीनो 15 दिवस दरमियान जो हाजर रहेवाना ना होय तो गैरहाजर रहेवाना होय त्यारे एमना बदले सही करवानो हक जे अन्य व्यक्तिने आपे छे एने पावर ऑफ एटर्नी कहेवाय, एने आपवामां आवे छे जेथी करीने संस्था के पेढीना रोजिंदा व्यवहारों अटकी पड़े नहीं के कोई लांबा समय माटे जो पेढी के संस्था में आज गैरहाजर रहेवानुं होय तो एना बदलामां जे सही करवानो अधिकार छे ए बीजा व्यक्तिने आपवामां आवे। तो त्यारे पण जो एने पत्र लखवानो थाय जे गैरहाजर व्यक्तिना बदलामां तो ए जेने मुखत्यारनामું એટલે કે કાયદેસરની જે લેટર ઉપર લખાણ કરીને એની સહીનો અધિકાર આપ્યો છે તો એટલા સમય માટે જો એ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા સહીની કરવાની सत्ता आपे छे एटले के ए बीजी व्यक्ति व्यक्ति सही करी सके छे एटले के बीजा व्यक्ति सही करवानो अधिकार। तो आनाथी शुं थाय? हवे आजे तमे जोवो छो के जुदा जुदा जे विभागना अधिकारीओ छे तो ए अधिकारीओ अने वडाओ छे ई अमुक समय माटे गैरहाजर होय तो त्यारे ए समय माटे गैरहाजर होय तो त्यारे रोजिंदा जे काई पण वहीवटी कार्य करवाना होय तो अटकी न पड़े माटे पोतानी सत्ता अन्य व्यक्तिने एटले के एनाथी नीचला अधिकारीने सोंपीने जता होय छे। तो त्यारे नीचला व्यक्ति पासे ज पण उपला अधिकारीनी सत्ता रहे छे तो तेने मुख्तियार नामु कहे छे के जेनी उपर कायदेसरनी लखाण कार्यवाही करीने बीजा व्यक्तिने एनो हक जतो करे छे। थोड़ा ज समय माटे कायमी माटे नहीं माटे एने बीजा वती सहीनो अधिकार कहे छे। पत्र में लख्यो छे सही बीजा व्यक्ति करशे एवुं नहीं हूँ अत्यारे थोड़ा समय माटे संस्था के पेढ़ी में के विभागना वड़ा में गैरहाजर छूं तो मारा वती कोण सही करशे। कार्य खरेखर ए ज व्यक्तिनुं छे पण करे छे बीजी व्यक्ति माटे एने बीजावती सही करवानो अधिकार कहे छे। तो आज बीजावती सही केवी रीते कराय तो ए अहीं आपणे जोईशुं। तो जोईए तो अहीं बीजा व्यक्ति सही करवानो अधिकार आ मुजब नीचे उदाहरण द्वारा जोईए। योर्स फेथफुली एटले के तमारो एटले के आपनो विश्वासु कोण छे पीपी एटले के पीपी द ओस्कार केमिकल्स लिमिटेड के भाई जे कंपनी छे जे ओस्कार केमिकल लिमिटेड कोण सही करे छे आर एम परमार। कौन छे आर एम परमार छे ई मैनेजर छे क्या विभागना छे सेल्स विभागना। तो एवी ज रीते गुजराती में सही करवी होय तो जोईए तो के आपनो विश्वासु अल्पविराम ते ओस्कार केमिकल्स लिमिटेड वती आर एम परमार काउंसमां एनी टूकी सही आर एम परमार एनी नीचे छे मैनेजर छे क्या विभागनो छे सेल्स विभागना मैनेजर वती सही करे छे। खरेखर कंपनी वती सही करवानी परंतु एना वती कोण सही करे छे कंपनीना मैनेजर वती सेल्स विभागनो मैनेजर सही करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आवी रीते आपणे आजे कोईपण वेपारी पेढ़ीनी अंदर अथवा तो कोईपण संस्थानी अंदर अथवा तो कोईपण सरकारी जे अधिकारीनी कचेरीओ छे एनी अंदर पण पोते गैरहाजर होय त्यारे बीजाने जे रोजिंदू कार्य न अटके माटे बीजाने सही करवानो अधिकार आपवामां आवे तो एने बीजावती सहीनो अधिकार जेने अंग्रेजी में पर प्रोक्यूरिजनम सिग्नेचर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आवी ज रीते आपणे पण क्यारेक भविष्य में कोई मोटी एवी पेढ़ी में सारे एवा पद पर पोस्ट पर होद्दा पर कार्य करता होय लांबा समय माटे गैरहाजर रहेवानुं होय त्यारे आपणा वती बीजाने सही करवानो जे अधिकार आपीए छीए तो एने आपणे पर प्रोक्यूरिजनम सिग्नेचर तरीके ओळखी शकीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों वाणिज्यिक पत्रना कायमी भागोनी अंदर आपणे अत्यार सुधीमां जे कायमी भागनी अंदर 7 बाबतोनो समावेश थाय छे जेनी चर्चा मेळी। ई साते 7 बाबतो कई कई तो जोईए। सौप्रथम शीर्षक जे पत्र लखनार वेपारी पेढ़ी पोतानुं नाम सरनामું अने व्यवसायनो प्रकार जणावे छे। पत्रनी तारीख जे आपणे शीखी गया अमेरिकन अने ब्रिटिश पद्धतिए। पत्रनुं आंतरिक सरनामું जेने आपणे पत्र लखवा मांगीए छीए एटले के पत्र मेळवनारनुं पोतानुं नाम सरनामું आंतरिक सरनामानी अंदर लखवामां आवे छे। त्यार पछी संबोधन जेने आपणे सेल्युटेशन कहीए छीए ते आपणे जोयुं के पत्र लखनार अने मेळवनार बंने वच्चेना संबंधो नक्की करवानुं काम छे संबोधन करे छे। त्यार पछी आपणे जोयुं पत्रनो मुख्य भाग जे 3 फकराओमां वહેંચાયેલો छे प्रारंभिक फकरो मध्य अने अंतिम अने त्यार पछी आपणे जोयुं शुभेच्छा दर्शक समापन अने छेल्ले छे सिग्नेचर सही जे आपणे जोयुं। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आज पत्रनी अंदर 7 बाबतों सिवाय जे वधारानी बाबतोनो समावेश करवामां आवे जेने प्रसंगोपात भाग तरीके ओळखी शकाय छे। तो प्रसंगोपात बाबतोनी हवे आपणे नवा अंके चर्चा करीशुं। त्यां सुधी दरेक विद्यार्थी मित्रोने जय स्वामिनारायण।